साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय, आप देख रहे हैं अनंत वक्ता। आज बात करेंगे संभावनाओं का दिल्ली एमसीडी इलेक्शन 2022। मैं बुराड़ी विधानसभा के मुकंदपुर वार्ड नंबर 8 में खड़ा हूं। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे की तस्वीर क्या बयान कर रही है। चुनाव है, चुनावों में लाखों करोड़ों के वारे न्यारे होते हैं। इसी तस्वीर को बदलने के लिए कितनी बदलती है वो तस्वीर, कैसे बदलती है, कौन बदलता है? जो बदलने वाला होता है चुनाव दर चुनाव एक ही बात करता है कि हम यहाँ के भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, हम यहाँ की साफ सफाई कराएंगे, हम यहाँ की तमाम चीज़ों को दुरुस्त करेंगे। लेकिन अंततः चुनाव में हर चुनाव दर चुनाव यही मुद्दे रहते हैं और यही मुद्दे हावी रहते हैं। शहरों में हर कोई कमा लेता है, खा लेता है, बताऊँ गंदगी भी यही करते हैं। चुनाव दर चुनाव यही एक ही मुद्दे होते हैं गंदगी को लेकर, लेकिन फिर भी यही गंदगी इसी तरीके की गंदगी रहती है, लगातार बनी रहती है। हमारे पास ये छोटे छोटे दो बच्चे हैं, रास्ते से जा रहे थे, हमने इनको बुलाया है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आपके यहाँ एमसीडी का इलेक्शन हो रहा है, बच्चे हो, ये मालूम है आपको कई इलेक्शन हो रहा है? उस इलेक्शन में क्या हो रहा है, क्यों इलेक्शन होता है, मालूम है आपको? यहाँ पे इतना पानी भरा हुआ है, कोई देखने नहीं आता, कोई कुछ भी करता नहीं है। यहाँ पे जितने रहते लोग पानी भरा हुआ पूरा, यहाँ तो ये तो आप लोगों को भी मालूम है कि पानी को ख़त्म करने के लिए, गंदगी को ख़त्म करने के लिए ही चुनाव में लोग आते हैं इलेक्शन में। पता तो करते क्यों भी, क्या दिक्कत आती है, कुछ समझ में आपके आता है? यानी यहाँ के नेता लोग ऐसे ही हैं, बस वोट लेके जाते हैं फिर आते ही कुछ काम नहीं करते। कभी भी नहीं किया, चाहे किसी भी पार्टी का। कौन कौन सी पार्टी काम की हो जो दिल्ली में? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कोई नहीं। बहुत अच्छी बात है। देखा आपने, ये छोटे छोटे नौनिहाल जिन्हें राजनीति से नहीं मतलब है, किसी चीज़ से नहीं मतलब है, उसके बाद भी ये बच्चे जानते हैं कि नेता तो ऐसे ही होते हैं। और वीडियोस आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा एमसीडी में क्या झोल है, संभावनाएं का एमसीडी इलेक्शन कैसा हो, काउंसलर बने रही बहुत ध्यान से। धन्यवाद।